बॉलीवुड में जितना लंबा एक हीरो का करियर होता है उतना ही छोटा हीरोइनों का माना जाता है, और अब आलिया भट्ट श्रद्धा कपूर को इसका एहसास होने वाला है। दोनों के लिए कड़ी टक्कर बनकर खड़ी हो चुकी हैं जाह्नवी कपूर और सारा अली खान। गौरतलब है कि रोहित शेट्टी टेम पर रीमेक बना रहे हैं जिसका लीड रोल कर रहे हैं रणवीर सिंह। अब बात आती है रणवीर की हीरोइन पर, तो माना जा रहा है कि इस फिल्म के लिए आलिया और श्रद्धा का नाम आते ही कट हो गया। कारण थोड़ा अजीब है। दरअसल दोनों ही रोहित शेट्टी को नाराज कर चुकी हैं। गोलमाल रिटर्न्स के दौरान रोहित ने दोनों को ही अप्रोच किया था, लेकिन श्रद्धा ने पूरा नरेशन मांगा तो आलिया ने सोचने के लिए वह दोनों की ये बात रोहित शेट्टी को नागवार गुजरी। इसलिए सिम्बा रीमेक की कास्टिंग के दौरान रोहित ने इन दो नामों को पहले ही कैंसिल कर दिया है, और अब केवल दो ही नाम पर चर्चा चल रही है, वो है सारा अली खान और जाह्नवी कपूर। अब श्रद्धा, सारा, जाह्नवी और आलिया में से जिसके भी हाथ सिम्बा लगती है उसे सलमान खान से क्लैश करना पड़ेगा। दिलचस्प ये है कि जाह्नवी को छोड़कर बाकी तीनों ही सलमान खान को पहल रिजेक्ट कर चुकी हैं। जाह्नवी कपूर फिलहाल करण जौहर की धड़क में काम कर रही हैं और सिम्बा रोहित शेट्टी के साथ करण जौहर ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। ऐसे में जाह्नवी का नाम फिल्म के लिए लगभग फाइनल माना जा रहा है। वहीं सारा अली खान को इस बात से काफी टेंशन हो सकती है। करण जौहर की फिल्में छोड़कर सारा ने डेब्यू के लिए केदारनाथ को चुना था जो कि लटक चुकी है। वहीं सिम्बा इस साल दिसंबर में रिलीज हो रही है। अगर सारा को सिम्बा नहीं मिलती है तो उनके डेब्यू से पहले ही जाह्नवी की दो फिल्में भी आ चुकी होंगी, लेकिन सारा को सिम्बा मिल जाती है तो उन्हें सलमान खान से टक्कर लेना होगा जिनकी फिल्म सारा ने रिजेक्ट की। बस अब तो सिम्बा की कास्टिंग पर नजरें टिकाए रखिए। वैसे जानिए कितने स्टार किड्स बॉलीवुड में डेब्यू की तैयारी कर रहे हैं। दशानया पांडे, माना जा रहा है कि चंकी पांडे की बेटी करण जौहर की स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से डेब्यू करने जा रही हैं। आयुष शर्मा सलमान खान के जीजा जी, आयुष शर्मा बचकानेरपन में ही सही लेकिन लवरात्र नाम की फिल्म से डेब्यू करने जा रहे हैं। सारा अली खान इस समय आधे बॉलीवुड की नजर सारा अली खान पर है। वो केदारनाथ से कब डेब्यू करती हैं ये देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि सलमान से लेकर आमिर और करण जौहर से लेकर एकता कपूर तक हर कोई उनके पीछे पड़ा था। उत्कर्ष शर्मा सनी देओल का गदर का वो छोटा सा बेटा याद है? वो गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा का बेटा था, और अब अनिल अपने बेटे उत्कर्ष को जीनियस नाम की एक फिल्म से लॉन्च करने जा रहे हैं। करण देओल आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के साथ करण देओल को लॉन्च करना चाहते थे और इसके लिए उनके पिता सनी देओल से संपर्क किया था। सनी ने तीन फिल्मों का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सनी देओल पल पल दिल के पास नाम की फिल्म बना रहे हैं जिसमें करण देओल शहर बॉम्ब के साथ डेब्यू करेंगे। करण देओल आदित्य चोपड़ा यशराज फिल्म्स के साथ करण देओल को लॉन्च करना चाहते थे और इसके लिए उनके पिता सनी देओल से संपर्क किया था। सनी ने तीन फिल्मों का ये प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सनी देओल पल पल दिल के पास नाम की फिल्म बना रहे हैं जिसमें करण देओल शहर बॉम्ब के साथ डेब्यू करेंगे। कृष्णा श्रॉफ टाइगर श्रॉफ की बहन फिलहाल तो उनकी मैनेजर हैं, लेकिन उनके इंस्टाग्राम को फॉलो करने वाले ये अच्छे से जानते हैं कि वो जल्द अपना बॉलीवुड डेब्यू करेंगी।